नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आपको फिल्म कार्तिकेय 2 याद होगी, जिसमें निखिल सिद्धार्थ मुख्य अभिनेता थे। मूल रूप से तेलुगु में बने इस फिल्म ने दुनिया भर में 118 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। फिल्म में भगवान श्री कृष्ण और उनसे जुड़े रहस्यों के बारे में दिखाया गया था। वहीं अब निखिल सिद्धार्थ अपनी अगली पैन इंडिया फिल्म लेकर आ रहे हैं। स्पाई नाम के इस फिल्म को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इर्द गिर्द बना गया है। इसका टीजर सोमवार को जारी किया गया। स्पाई का टीजर जारी करने के लिए जिस लोकेशन को चुना गया वो भी बेहद खास है। कार्तिकेय 2 के लिए पूरी फिल्म की शूटिंग द्वारका की गई थी, जबकि स्पाई फिल्म की टीम ने इसे दिल्ली को चुना है। दिल्ली के इंडिया गेट पर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास फिल्म की टीम ने मीडिया के सामने स्पाई का टीजर जारी किया। इस जगह पर पहली बार किसी फिल्म का टीजर जारी हुआ है। इस दौरान निर्देशक गौरी और अभिनेता निखिल सिद्धार्थ के अलावा अभिनेत्री ऐश्वर्या मेनन भी मौजूद रही। कर्तव्य पथ पर स्पाई के टीजर को हिंदी और तेलुगु समेत अन्य भाषाओं में रिलीज किया गया। टीजर रिलीज से पहले बॉलीवुड और साउथ के कई बड़े अभिनेता को एक वीडियो के जरिए ट्रिब्यूट भी किया गया, जिन्होंने समय समय पर जासूस का किरदार अदा किया था। टीजर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट बताया गया। उनके द्वारा आजाद हिंद फौज के गठन का जिक्र करते हुए उनके दूरदृष्टा बताया गया है। फिल्म में निखिल सिद्धार्थ को देश विदेश में एक्शन करते हुए देखा जा सकता है। साथ ही विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को कवर अप स्टोरी भी कहा गया है। टीजर से साफ है कि फिल्म में कई रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हुए उनके इर्द गिर्द कहानी बुनने की कोशिश की गई है। बहुत सी बात है जो तुम नहीं जानते, एक किरदार ये डायलॉग बोलता हुआ भी दिखता है। बैकग्राउंड में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा गाना भी बजता रहता है। फिल्म के लोगों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म साल तो लिखा है, लेकिन निधन के जगह को ब्लैंक रखा गया है। फिल्म 29 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और कार्तिक आर्यन किराया आडवाणी के सत्य प्रेम की कथा से टकराएगी। ये फिल्म तेलुगु और हिंदी के अलावा मलयालम, कन्नड़ और तमिल में भी रिलीज होगी। फिल्म को नेशनल थ्रिलर के रूप में भी पेश किया जा रहा है। स्पाई साथ साथ एक एडवेंचर फिल्म भी है। अच्छा ही होगा, मुझे तो अच्छा ही लगा है, पर डेफिनेटली इट्स अ स्पाई फिल्म और this is basically this history with this history also this fiction also so dono ko ek sath milaya gaya hai netaji ka ek secret jo is film mein dikhayenge aur uske sath obviously fiction hai and it's a spy film and I think it is one of the biggest film which is on spy one of the biggest film which is coming really soon. Sir, what is your character in the movie? Sir, wo film to dekhna padega uske liye. Mera bahut hi interesting character hai and which is at the end is very रिवील होता है कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ और किस लिए मैं हूँ फिल्म में। सो वो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा उसके बारे में, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है मेरा। देखा जा रहा है आज के दौर में कि बड़े बड़े मुद्दों पर हिंदू मुस्लिम हो गया या फिर नेताजी को लेकर आप मूवी लेके आ रहे हैं, तो ऐसे मुद्दों को यूज करके पब्लिसिटी स्टैंड है या फिर वाकई में ऐसे मुद्दों को सामने लाने की जरूरत है? देखो, जो आपने मुद्दे बोले, एक बोले आपने हिंदू मुस्लिम, फिर बोले नेताजी, दोनों का कोई यही नहीं है। मैं खाने के बारे में बोल सकता हूँ, फिर पीने के बारे में भी बोल सकता हूँ, फिर हम लोग सोने के बारे में बोल सकते हैं। ये मुद्दा नहीं होता है, फिल्म स्टोरीज होते हैं बेसिकली। अगर जो फिल्म बना रहे हैं, जो डायरेक्टर, उसको अच्छा लगा, एक स्टोरी बोलना चाहते हैं, इतना लव स्टोरीज भी होता है, अब तो उसके बारे में नहीं पूछा। हम लोग वही करते हैं जो मुझे पसंद हो बोलने के लिए। तो डायरेक्टर को पसंद है ये फिल्म, उसको ये स्टोरी बोलना है, तो इसीलिए स्टोरी बनाए, लिखे हैं और हम लोग उसमें एक्ट किए हैं। सो इट इज़ नॉट अबाउट कि इस मुद्दे पे चल रहा है तो इस मुद्दे पे फिल्म बनाए। मैंने तो नहीं देखा, एटलीस्ट आपने देखे होंगे, बट मैंने नहीं देखे। सुभाष चंद्र बोस की कौन सी क्वालिटीज आप अपनी रियल लाइफ में सर फॉलो करते हैं? देखो सर, आई कम फ्रॉम द लैंड ऑफ बोस, आई कम फ्रॉम कैलकटा। वी हैव फ्रॉम आवर चाइल्डहुड वी हैव सीन रविंद्रनाथ टैगोर, वी हैव सीन, नॉट सीन इन द सेंस, वी हैव नोन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, बोस, सुभाष चंद्र बोस एंड लोड्स ऑफ अदर हिस्टोरिक कैरेक्टर्स विच वी हैव इन आवर हिस्ट्री बुक्स। So, you know, it is very difficult to follow his, the way he has lived his life. Because uske liye jo kare, isiliye uska murti yahan pe hai. It is not easy to become what he is. But we try to follow his path, we try to follow his, the way he has lived his life. But I would say for a common man like me, it is difficult to live the way. Sir, aapki jo movie aa rahi hai, kya kuch kehna chahenge iske bare mein? ये मूवी स्पाई जो आ रही है, ये तेलुगु और हिंदी में लॉन्च कर रहे हैं अभी। ये
एक सीक्रेट जो हम किसी को पता नहीं है सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, वो बनी हुई है। सो 29 जून का इसका थिएटरिकल रिलीज़ है ऑल ओवर इंडिया। तो मैं सभी से ये अपील करूँगा, आप देखिए, जो हमें पता नहीं था वो इस मूवी में हमने कोशिश की है कि सब लोगों तक वो कहानी पहुँचे। सर, नेताजी की कौन सी बात है जो आपको अच्छा लगा कि आप इस मूवी को बनाने के लिए? देखिए, नेताजी की तो मैं क्या बोलूँ, मैं खुद भी फौजी हूँ। मैं फ़ौज में काम किया 21 साल, उसके बाद फ़ौज छोड़ के इस इंडस्ट्री में किया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से अच्छा इंसान, मतलब मैं क्या बोलूँ, हम तो शुरू से बचपन से उनका वही देख रहे हैं। उन्होंने ही शुरू की थी, जो हमारी जो सेना हुई उन्हें से ही शुरू हुई थी यहाँ पर। तो उनकी बात, एक बात मैं क्या कहूँ, सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं है बचपन में भी सब कुछ। तो कोशिश वही है हमारी इस मूवी में कि सबको वो बात पहुँचे, सो दैट सबको पता लगे कि सुभाष चंद्र बोस का क्या कहानी है। कोई भी आ रही है, क्या कुछ गाना चाहिए, इंडिया के प्रमोशन के लिए आए हैं सर? हमें बहुत खुशी की ये बात है कि लेकिन हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के स्टैचू के सामने आके हम ये हमारा टीज़र लॉन्च कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर हमारे लिए, क्योंकि ये परमिशन मिलना है यहाँ पे, और गवर्नमेंट लोग और यू नो ऑफिशियल्स भी टीज़र देख के उन्हें ये लगा कि लेकिन ये मूवी भी लेकिन सबको देखना चाहिए। एंड आई फील दैट आज टीज़र जो रिलीज़ होने वाली है उसको देखने के बाद अब सबको पता चलेगा कि ये मूवी में है क्या और हम यहाँ पे क्यों आए। सर, मैं सोचता हूँ कि इंडिया के इंडिपेंडेंस टाइम में बहुत सारे वक्त है सर जो बताई नहीं गई, सर मिस्ट्री जैसा है, खुला है अभी तो कोई, तो हमने बहुत रिसर्च करके, बहुत सारे लोगों के साथ बात करके, एक्स्ट्रा एजेंट से बात करके, बुक्स पढ़ के, लेकिन हमने ये कहानी बनाई सर। और ये डायरेक्टर गैरी जी, ही इज़ मेड द फिल्म, एंड मैं सोचता हूँ एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म सर। ये स्पाई फिल्म है, एक्शन है इसमें, फैमिली इमोशन है, रोमांस है, कॉमेडी है, सब कुछ है। उसके साथ साथ मैं सोचता हूँ एक बहुत अच्छी लेसन भी है सर कि हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस क्यों आई, असल में क्यों आई, और किन किन लोगों ने ये सैक्रिफाइस किया था। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतना बड़ा रोल था कि हम बात ही नहीं करते सर, क्योंकि हम जब टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक में एक ही पेज होता है सर। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे ये लगता है कि ऐसे मूवी बननी चाहिए। सर, जब स्टोरी आपके पास आई, ऐसी नेताजी की कौन सी बात स्टोरी में मेंशन था कि आपने सोचा कि सर? मुझे पहले ये मूवी बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत कहानी अच्छी है सर, क्योंकि लेकिन मैं एक रॉ एजेंट कर रहा हूँ, स्पाई मूवी है, तो वो बहुत एक्साइटिंग था। एक्शन है इसके अंदर, इमोशंस है, बहुत अच्छा रोमांस है उसके अंदर। ये मेन स्ट्रीम फिल्म में जब भी एक अच्छा पॉइंट डाला जाता है सर, तब सब लोग देखते हैं सर, क्योंकि आजकल कभी भी डॉक्यूमेंट्री जैसे मूवीज़ बनते हैं तो देख नहीं सकते लोग, मगर मैं सोचता हूँ ये मूवी बच्चों को देखना है, बड़ों को देखना है, फैमिली के साथ भी देखना चाहिए और सीखने को कुछ मिलेगा सर, और ये क्लास जैसा नहीं होगा, एंटरटेनिंग भी रहेगा। सर, लास्ट सवाल, जब आप फैमिली के साथ, आजकल जो मूवी आती है फैमिली के साथ आप नहीं देख सकते, हाँ, क्या ये पूरे फिल्म है फैमिली के साथ? सर, ये क्लीन सट मूवी है सर, और हम इस मूवी को ऐसा बनाया कि लेकिन हर एक आदमी, हर एक बच्चा, हर एक लेडी देख सकते हैं सर हैप्पीली। इसमें कुछ असभ्यता नहीं है, सब कुछ नीट है, और आपने देखा होगा मेरा मूवी कार्तिकेय 2, इससे पहले आई, फैमिली के साथ देखने वाला लाइक मूवी है सर। सो आई थिंक दैट स्पाई भी वही होगा, एंड प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज़ वॉच दिस फिल्म, और टीज़र को आप स्प्रेड कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, और हमें सपोर्ट कीजिए। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी मूवी आ रही है और इंडिया गेट पे आज प्रमोशन के लिए आए हैं। इट्स रियली, आई एम वेरी प्राउड टू बी हियर, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, एंड वी हैव अ रिलीज ऑन जून 29th, लाइक निखिल सर सेड, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। सो आई प्ले अ रॉ एजेंट इन दिस फिल्म, सो आई डिडंट नो वेदर आई वाज अलाउड टू से दैट, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड माय डायरेक्टर सर। सो या, सो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्शन टू डू, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ स्टंट्स इन द फिल्म, एंड या, It's gonna be a power packed film. So, ma'am, आप action करते हुए भी फिल्म में नजर आने वाले हैं। हाँ। ट्रेनिंग वगैरह जरूर लिया, दे गिव अस अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, एंड वी हैड टू ट्रेन विद गन्स, या वी हैड अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग विद गन्स, सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग, इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग, बट या इट वाज फन, यस। बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि एक सेंसिटिव टॉपिक है, वी टू केयर दैट इट वोंट बी एनी, नो वी वोंट बी हर्टिंग एनी सेट ऑफ पीपल ओवर हियर। तो इट्स अ एक्चुअल कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री विथ फिक्शन, हम फिक्शलाइज भी किया था सिनेमा को, पर इट्स मोर बेस्ड ऑन कि जो हुआ है, हम हमारा रिसर्च में जो भी हमको पता चल गया वो सब लोगों को बोलना चाहिए, दैट्स व्हाट वी थॉट एंड दैट्स हाउ वी मेड दिस। सो या, वी एंजॉयड शूटिंग द होल फिल्म। मैं काफ़ी सवाल, क्या कहना चाहेंगे अपने फॉलोअर से, मूवी आ रही है आपकी साइज़ की? 29th जून को वी आर रिलीजिंग,
और हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम यहाँ पे आके टीज़र रिलीज़ कर रहे हैं। फर्स्ट टीज़र है बॉलीवुड पे जो स्टैचू के पास आके कर्तव्य पथ पे हमने रिलीज़ किया है, सो ये बहुत प्राउड मोमेंट है। दूसरी ये बात है कि हम चारों का जो कैरेक्टर है वो सारे रॉय जिन्स का